दोस्त, तो ये हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट है और ये हमारा रीडिंग कैंपेन है और ये हमारी एक एक्टिविटी शीट है और इस एक्टिविटी शीट के सीजन नंबर 55 है और ये हमारे लिए डेट 26 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है और इस वर्कशीट को क्लास 6 to 8 के बच्चे करेंगे। माने इस वर्कशीट को 6th, 7th and 8th तीनों क्लासेस के जो है बच्चे करेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सोनाली गेट्स स्ट्रॉन्गर। तो हम पढ़ते हैं इसे। देयर वॉज अ गर्ल नेम सोनाली। तो एक लड़की थी, उसका नाम सोनाली था। शी वॉक टू हर स्कूल बट फेल्ट टायर्ड द रेस्ट ऑफ द डे। तो मतलब सोनाली जो है अपने जो स्कूल जा रही थी चल के, तो वह अपने घर से स्कूल चल के जाती थी और वो चलने के बाद जो है अपने स्कूल जाने के बाद काफ़ी थकावा फील करती थी। सो मच सो दैट शी डिड नॉट हैव द एनर्जी टू प्ले इन द गेम्स पीरियड। तो फिर जो था उसके पास, सोनाली के पास एनर्जी नहीं थी कि वो गेम पीरियड में खेल पाए। शी टोल्ड हर क्लासमेट्स दैट शी वुड नॉट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स डे विच वॉज जस्ट अ मंथ अवे। तो सोनाली ने अपने सहपाठियों से, जो उसके क्लासमेट्स थे, उनसे कहा कि वो जो है इस बार में जो आने वाला है स्पोर्ट्स डे आने वाला है, उसके लिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी उसमें, जो एक महीने, जो इसी महीने बाद है। ऑल हर फ्रेंड्स वर एक्साइटेड अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रेसेस एंड अंडर स्पोर्ट्स इवेंट। तो जो सोनाली के दोस्त थे वो तो काफ़ी खुश थे इस बात को लेकर के स्पोर्ट्स डे आने वाला है, तो वो रेस में या फिर किसी और स्पोर्ट्स में जो है हिस्सा लेंगे। सोनाली टीचर सैड। तो सोनाली के टीचर ने कहा, यू शुड ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो तुम्हें जो है स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। यू आर अ ग्रोइंग अप एडोलेसेंट्स एंड नीड एनर्जी। तो तुम्हें जो है अंदर से जो है एनर्जी चाहिए, तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। हेल्थ शुड बी योर मेन कंसर्न। तो तुम्हें मुख्य रूप से जो है स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। सोनाली थॉट दैट शी वांटेड मोर स्ट्रेंथ एंड हैड टू इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन हर डाइट एवरी डे। तो जब उसने अपनी मैम से ये बात सुनी तो उसने सोचा कि वो जो है अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी ताकत के लिए जो है अपनी डाइट में जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को जो है शामिल करेगी। शी डिसाइडेड टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर बेस्ट फ्रेंड्स। तो उसने डिसाइड किया कि अब उसके जो बेस्ट फ्रेंड बनेंगे वो होंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सोनाली मेड अप हर माइंड। तो सोनाली ने जो है अपना मन बना लिया था ये करने का। शी हैड टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द हर्डल रेस। तो उसने जो है हर्डल रेस के लिए जो है खुद को बस जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का जो है फैसला ले लिया। शी हैड अ मंथ फॉर प्रिपरेशन। तो उसके पास जो है एक मंथ था, मतलब एक महीना था प्रिपरेशन के लिए। दैट नाइट शी ड्रीम्ड ऑफ एन एप्पल। तो उस दिन जो है सोनाली को जो है अपने सपने में एप्पल का जो है सपना आया। इट वॉज टॉकिंग टू हर। तो जो एप्पल था वो उससे बात कर रहा था। द एप्पल सेड दैट इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विल गिव हर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो उस जो एप्पल था उसने सोनाली से सपने में कहा कि मैं जो है न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ हूँ और तुम्हें जो है खूब स्ट्रेंथ दूंगा। इन हर स्लीप शी गॉबल्ड अप द फ्रूट। शी बिगेन टू फील हर मसल्स बल्क विथ स्ट्रेंथ। हुर्रे। तो उसने सपने में देखा कि उसने जो है वो जो है मतलब सपने में उसने वो एप्पल खा लिया और जो है उसके मसल्स एकदम उभर रहे, वो एकदम स्ट्रेंथफुल हो गई, एकदम स्ट्रांग हो गई।
शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल रेडी फॉर द इवेंट्स. तो उसने मतलब उसने सपने में देखा कि वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल थी और वो जो है हर एक इवेंट्स के लिए जो खेल कूद के मतलब जो खेल कूद की बारी हो रही थी उसके लिए वो तैयार हो चुकी थी. आगे भी है सोनाली शेयर्ड हर स्टोरी विद द रेस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स. तो सोनाली जो थी उसने अपनी जो ये जो सपना देखा अपने दोस्तों के साथ जो है ये सपना शेयर किया कि उसे ऐसा सपना आया था. दे ऑल स्टार्टेड इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड बिफोर. तो उन्होंने भी दे ऑल स्टार्टेड इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर डाइट एंड बिकम हेल्दियर देन बिफोर. तो जो उसके दोस्त थे फिर उन्होंने भी जो है अपने डाइट में जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है शामिल कर लिया ताकि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे. इन 3 वीक्स टाइम देयर परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स देयर वॉज इन देयर हैंड्स एंड गॉट फोटोग्राफ्स प्रेस्ड बाय एवरीवन. द गर्ल्स हैप्पीली हेल्ड देयर ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट इन देयर हैंड्स एंड गॉट फोटोग्राफ्स क्लिक्ड. तो उन लोगों ने जब ये किया तो जब उन्होंने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जब खाने शुरू किए तो उनके साथ ऐसा हुआ ना कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए थे और उन्होंने जो है हैप्पीली जो है अपनी फिर जो है ट्रॉफी ली. मतलब फिर क्या था फिर तो सबने उनकी तारीफ की तो फिर जो है उनके बाद उन्हें जो है ट्रॉफी मिली सर्टिफिकेट्स मिले और उनके जो है फोटोग्राफ्स क्लिक हुई. तो आगे पढ़ते हैं. ईट हेल्दी थिंक बेटर एंड गेट स्ट्रॉन्गर हैड बिकम देयर मोटो फॉर लाइफ. तो उनका जो मोटो बन गया था कि हेल्दी खाओ अच्छा सोचो और स्ट्रांग रहो ये जो है उनका मोटो बन गया था. तो हमने इस कहानी में सोनाली एक जो लड़की थी उसके बारे में जाना. तो अब इसमें हमें इसी के बारे में जो है कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं सजेस्टेड एक्टिविटीज़. तो हम देखते हैं तो इसमें हमें पहला दिया गया है Sonali decided to grow stronger by including fruits and vegetable in her diet. List your favorite and fruit and vegetables. Why do you like them? तो Sonali ने जो है इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि मतलब Sonali ने जो है स्ट्रांग रहने के लिए जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है अपनी डाइट में शामिल कर लिए थे. तो आपको जो है अपने फेवरेट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो है नाम लिखने और ये बताने कि व्हाई डू यू लाइक देम आप उसे पसंद क्यों करते हैं. तो इसका इसमें आपको अपने जो है फेवरेट फ्रूट्स के नेम लिखने और वो लिखना है कि आप उसे पसंद क्यों करते हैं. तो इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं. तो ये उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ. माई फेवरेट फ्रूट is mango, date, grapes and apple and banana because I like their. यहाँ पे ना their लिख देना. ये मैंने it's लिख दिया था गलती से. their लिख देना. THEIR their. tastes and their have many benefits. My favorite vegetables is ladyfinger, eggplant means brinjal, बैंगन माने एंड पोटैटो बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट एंड देयर बेनिफिट्स. तो मैंने अभी जो भी मैंगो डेट ग्रेप्स एप्पल और बनाना ये और सब्जियों में लेडी फिंगर मतलब भिंडी बैंगन पोटैटो का नाम लिए तो मैंने उसका रीज़न ये बताया इसमें कि क्योंकि मुझे उनका टेस्ट पसंद है और उनके जो है बेनिफिट्स भी हैं. बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे. तो आपको इस तरीके से लिखना है. तो अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पे हमें दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन. तो सेकेंड क्वेश्चन यह है मेक अ कॉलेज ऑफ ऑल योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो आपने जो भी अपने पसंद के जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जो नेम लिखे ना वो आपको जो है कॉलेज जो है बनाना है. बट अगर आप उनके पास स्क्रैप बुक नहीं है ये सब चीज़ नहीं है जिससे आप कॉलेज बना सके तो आप अपनी कॉपी में ही बना लो. देखो एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ.
तो देखो, मैंने जब मेरे से सवाल पूछा गया था ये कि आपको अपने पसंदीदा उसके नाम लिखने, फलों और सब्जियों के, और ये भी लिखना है क्यों पसंद है। तो देखो, मैंने क्या लिखा था, मैंगो लिखा था, चीकू लिखा था, डेट्स लिखा था, ग्रेप्स लिखा अरे था, स्वादिष्ट एप्पल लिखना लिखा भाई। था, बनाना लिखा था, लेडी फिंगर लिखा था, एंड क्या लिखा था मैंने, ब्रिंजल मीन्स एग प्लांट एंड पोटैटो लिखा था। तो इस तरीके से मैंने जो है कॉलाज बनाया। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अगर आपको मतलब मन में नहीं आ पा रहा है कि कैसे लिखे आंसर, तो आप यही वाला फर्स्ट का आंसर लिख दें और यही चीज़ जो है बिल्कुल ऐसे ही बना दें। तो अब चलते अपने थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है हमारा क्वेश्चन, पिक वन लोकल फ्रूट ऑफ योर चॉइस एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स ऑर्गेन वेराइटीज एंड स्पेशल फीचर्स। और ये जो है बाय विजिटिंग स्कूल लाइब्रेरी और डिस्कसिंग इट विथ योर टीचर। तो आपको ये जो है अपने टीचर के साथ भी आप जो है डिस्कस कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से करो, बस आप आंसर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिख दो। तो देखो, इसमें हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है एक कोई भी अपने पसंद का जो है फ्रूट ले लेना है, और उस फ्रूट को लेने के बाद जो है, जो फल आप लोगे उसको लेने के बाद जो है, आपको उसका जो हो क्या लिखना है, ओरिजिन लिखना है, मतलब उसकी उत्पत्ति लिखनी है कि कहाँ पे हुई, उसके वेराइटीज़ लिखनी है कि उसके किस्म कितने हैं, और स्पेशल फीचर्स जो उसके अंदर स्पेशल स्पेशल जो फीचर्स है वो लिखना है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं, या अगर आप कोई और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो मैं दिखा रही हूँ उसे एग्जाम्पल की तरह ले लीजिए अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं। तो देखो, गूगल से आप वन बाय वन आंसर ले लो। तो कैसे लोगे, मैंगो ओरिजिन इन इंडिया। तो अगर आप कोई और फ्रूट ले रहे हो तो उसका नाम लो, लिखो या बोलो कि जैसे आप ऑरेंज ले रहे हो मान लो, तो वेयर इज ऑरेंज ओरिजिन, तो फिर वो दे देगा कि कहाँ ओरिजिन हुआ, इंडिया में हुआ कि किधर हुआ। मैंगो वेराइटीज इज 1500 इन इंडिया। वैसे सिर्फ इंडिया में ही है इतनी इसकी वेराइटीज़, इसके जो नस्लें हैं, जो इसके किस्म हैं, वो सिर्फ जो है इंडिया में ही 1500 है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, आप जैसे ऑरेंज ही लेके चलो, आप अगर आप एग्जांपल की तरह लिख रहे हो तो गूगल से क्या बोलोगे, ऑरेंज हाउ मैनी हाउ मैनी ऑरेंज वेराइटीज इन वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अब आगे देखो, इन मैंगो मेजर फ्रूट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिखा था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस एंड स्मूथ थिन थॉट स्किन, द फ्लैश ऑफ रेप मैंगोज इज पेल येल्लो टू ऑरेंज, द फ्लैश इज जूसी स्वीट एंड समटाइम्स फिब्रियस, सम अंडर सीरेबल सीडिंग्स आर वेराइटीज आर डिस्क्राइब्ड एज पॉजेसिंग अ टर्पेंटाइन लाइक ऑफ टेस्ट। तो मैंने इसमें जो उसकी खूबी लिखी है, जो उसकी स्पेशल बात लिखी है, तो मैंने क्या लिखा है कि पूरी बात बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। जो मैंगो की जो उत्पत्ति हुई है वो इंडिया में हुई है, और मैंगो की जो इंडिया में जो वेराइटीज़ है वो 1500 है। और मैंने बाकी ये बात लिखी है कि जो मैंगो के जितने भी ख़ास बातें लिखी है वो है, जो लगती है वो लिखा है मैंने। तो जो मैंने लिखा है कि उसके जो है काफ़ी प्यारी और थिन जो है उसकी जो है ऊपर का छिलका होता है, काफ़ी मस्त होता है, मतलब इस तरीके से मैंने लिखा है। वो काफ़ी थिन और थॉट होता है, स्मूथ होता है बिल्कुल, और उसको खाने में मतलब एकदम मीठा से, मतलब जो भी मुझे अच्छा लगा वो मैंने लिख दिया, जो मुझे उसकी स्पेशल वेराइटीज़ लगी है। अगर आप गूगल से कोई और करना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, अगर ऑरेंज लेके चल रहे हो तो, अगर कोई और फ्रूट लेके चल रहे हो तो उसका नाम लेके कहोगे कि स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑरेंज, इस तरीके से। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट थोड़ी लेट है, उसके लिए सॉरी, बट ये लूंगी है।
अगली बार से कोशिश करूँगी कि थोड़ी जल्दी डालूँ वीडियो और ज़्यादा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही और भी वर्कशीट्स आपको समझनी हो, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हो, उसके एग्जाम्पल देखने हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक 11 ही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर कोई अभी भी डाउट रह गई हो किसी क्वेश्चन में या इस वर्कशीट कहानी में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पता है क्या, अगर किसी और को भी इस वर्कशीट में डाउट है, जो यही वाली वर्कशीट है सीज़न नंबर 55 की, अगर इस वर्कशीट में कोई डाउट है तो आप उसे जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड ये तो आज की वर्कशीट थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। बट जब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे कल। और हाँ, मैं हमारे गणित की भी वीडियोस डालती हूँ, अगर आप वो देखोगे तो वो भी देख लेना, मतलब उसमें से कुछ आंसर्स करने हो तो वो भी कर लेना। तो जब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे कल।